कंगना रनौत का शो लॉकअप फैंस को हर दिन चकित करता रहता है। शो में नामी कंटेस्टेंट भी आ रहे हैं। ये कंटेस्टेंट अपने निजी जीवन से जुड़े किस्से शेयर करते हैं और भावुक हो जाते हैं। कई कंटेस्टेंट ने तो एक से बढ़कर एक शॉकिंग किस्से शेयर किए हैं और फैंस को सरप्राइज कर दिया। तो आइए जानते हैं कि अब तक के इस शो में किस कंटेस्टेंट ने अपने बयानों से कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। मुनव्वर फारूकी। शो में मुनव्वर फारूकी जब आए तो सभी का नजर उन पर थी। पहले दिन तो कंगना संग उनकी हल्की फुल्की बहस भी देखने को मिली थी। शो में वे फिलहाल बदनाम गर्ल अंजलि अरोड़ा संग अपनी प्यार की पींगे पड़ रहे हैं, लेकिन एक्टर ने सभी को तब शॉक्ड कर दिया जब उन्होंने सभी से अपनी सीक्रेट मैरिज के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इस शादी से उनका एक बेटा है जिसके लिए वे शो में आए हैं। मंदाना करीमी। मंदाना करीमी ने सभी को तब शॉक कर दिया जब उन्होंने बताया कि एक समय उनका एक पॉपुलर डायरेक्टर के साथ अफेयर था। दोनों के रिलेशनशिप बढ़ते वक्त के साथ और मजबूत होने लगी। इस वजह से दोनों ने एक साथ सेटल होने का निर्णय लिया, लेकिन दोनों ने इसे हमेशा सीक्रेट रखा। लेकिन बीच में ही मंदाना प्रेग्नेंट हो गई और वो डायरेक्टर शादी से पीछे हट गया। एक्ट्रेस को उस दुविधा में अपना अबॉर्शन कराना पड़ा। ईरानी एक्ट्रेस की ये कहानी सुन कंगना की आंखें भर आई और वो रोने लगी। तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला ने भी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक शॉकिंग किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था, एक बड़े उद्योगपति ने अपनी कुछ फैंटेसीज उन पर थोप दी थी। उनकी मंशा तहसीन की वाइफ संग सोने की थी और वो चाहता था कि तहसीन ये चीज देखे। तहसीन ये बात करते हुए अंदर से टूट गए थे और वो बहुत भावुक हो गए थे। शिवम शर्मा। शिवम शर्मा शो में अपनी हाजिर जवाबी के लिए पसंद किए जा रहे हैं। वे शो में फैंस को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने एक दफ़ा ये कन्फेस किया था कि उन्होंने अपनी माँ की एक दोस्त के साथ सेक्स किया था, क्योंकि उनकी मॉम की दोस्त का डाइवोर्स हो चुका था, तो उस महिला को शिवम के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। शिवम ने कहा कि वो महिला की हेल्प करना चाहते थे, इसलिए आज से 8-9 साल पहले जब वो कॉलेज लाइफ में थे तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। करणवीर बोहरा। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए करणवीर बोहरा ने बताया कि वे साल 2015 से कर्ज में हैं। वे अकेले अपने दम पर उस कर्ज से मुक्ति पाने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 साल से वे अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। पैसा न लौटा पाने की स्थिति में उनके खिलाफ 3-4 केस भी दर्ज है। साइशा शिंदे। कंगना के शो में पहुंची फैशन डिजाइनर साइशा शिंदे ने बताया कि जब वे 10 साल की थी उस दौरान उन्हें एक शख्स ने मोलेस्ट किया था, जिसके कुछ साल बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ था। जिसने उनका यौन उत्पीड़न किया था वे उनसे उम्र में कुछ साल ही बड़ा था। आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।